चाहिए सुबह के साथ। और अभी से मैं अपना जो ब्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह नहा लिया है तो इसलिए थोड़ा सा गला कड़ा हो के रखा है, मतलब पहले से था, और आज मैंने सुबह नहा लिया है तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो आज हम लोग सुबह इसलिए उठे हैं क्योंकि मैंने कल वीडियो में बताया था कि आज हमारे घर में, मतलब मेरे मायके में प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब वैष्णव सेवा है, तो उसी का प्रिपरेशन कल हो रहा था तो आज वो प्रोग्राम है। तो सुबह ना जो आंटी या बुआ सब कुछ सब थी तो सब यहाँ पे आके सब कुछ रेडी वगैरह, रेडी मतलब उन लोगों का गुरुदेव यहाँ में आके और गोपाल को यहाँ पे लाके बैठा दिया है, सब कुछ रेडी वगैरह हो गया है। और उधर खाना भी, मतलब जो भोग लगेगा तो वो भोग भी स्टार्ट हो गया है बनाना। तो मैं ना पहले आप लोगों को एक बार मंदिर, जो मम्मी का मंदिर है वो एक बार दिखा देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, फिर बाद में मैं वहाँ पर लेके जाऊँगी जहाँ पे मतलब भोग बन रहा है। तो पहले यहाँ का दिखा दूँ और उसके बाद वहाँ पे लेके जाऊँगी। तो मैं अपना जो व्लॉग है वो मंदिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह भगवान की मंदिर से स्टार्ट करना मतलब अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया है मंदिर वगैरह सब कुछ, और अभी चलिए मैं उस साइड में लेके चलती हूँ जहाँ में सब कुछ भोग वगैरह बन रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है रेडी। ना ना देखो, एकला मोबाइले रख ले तो থাকবে না, কই থাকবে এগুলা কত। सुबह प्रसाद वगैरह खा के हम लोग रेडी हो गए, मतलब मैंने साड़ी पहना है और ये वाला साड़ी मैंने पहना है। और बाहर ना कीर्तन चालू हो गया है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूंगी। और उस साइड में ना भोग बन रहा है अभी भी, तो 12 बजे गोपाल को भोग लगाएंगे तो वो वाला भोग रेडी हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। और इस साइड में कीर्तन हो रहा है तो अभी ना मैं मामाम को लेके, मतलब सब कीर्तन में बैठे हैं तो अभी हम सब भी थोड़ा सा कीर्तन में बैठेंगे, तो चलिए मेरे साथ। জয় দিচ্ছেন হরে কৃষ্ণ, তাহলে ভক্ত আমার গোবিন্দের থেকে বড় বানাবে, ভক্তির জয় দিচ্ছেন। साइड पे तो गीता पाठ हो रहा है और मैंने मामा को भी खिला दिया है। तो खिलाने के बाद जितना छोटा छोटा वो पड़े, मैं वीडियो कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं मेरे घर में मम्मी, बहन और दादी वगैरह सबसे मिलाऊंगी, तो सबसे पहले मिली है मेरी छोटी बहन से। तो हम लोग चार बहनें हैं, तो मेरी सबसे बड़ी दीदी, उसकी शादी कोलकाता में हुई है, और मेरी जो मैं सेकंड हूँ और मेरी छोटी दो है, तो एक का शादी आसाम में हुई है और एक अभी घर में है। तो सबसे छोटी बहन है ये देखो, मतलब मामा का जो निनी है ना, तो ये है निनी इसका। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और ये है मेरी छोटी बहन और ये है मेरी पुच्चू। तो मामा हमेशा जो निन्नी माँ बोलती है, तो ये मेरी बहन, छोटी बहन, और मुझसे भी छोटी एक है, तो वो जो रोनी है जिसका बर्थडे व्लॉग आप लोग देखोगे, तो वो जो रोनी है उसकी मम्मी, तो वो अभी उसको खिला रही है, तो वो आने के बाद उसको भी दिखा दूंगी। और मम्मी को मैं बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मम्मी अभी गीता पाठ में बैठी है, तो बाद में देख लीजिएगा। और पापा को ना मैं ऐसे ही दिखा दूंगी। ये देखो मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मम्मा मुझे भूल गई है, इसके पापा का तो भूल ही गई है, तो मुझे भी भूल गई है, सिर्फ निनिमा निनिमा देखो, निनिमा ये देखो ये देखो ये देखो।
दोपहर के बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से इवनिंग में, क्योंकि जो भी इनवाइटेड थे लोग वो लोग खा के चले गए प्रसाद, और अभी फिलहाल हम लोग खाएंगे, तो बाद में रात में और भी लोग आएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम प्रसाद ले लेते हैं और बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो क्या क्या आइटम बनाया मैंने सोचा था कि तब मैं अच्छे से वीडियो करूँगी, लेकिन ना वैष्णव सेवा का एक नियम होता है, तो जो भी वैष्णव लोग होते हैं तो वो लोग हाथ लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं लगा सकते, जैसे हम लोग नहीं लगा पाए, तो हम लोग लगाने से वो लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन जितना हो पाया उतना कर मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया था। और ये है मेरी दादी, हाय बोलो, हाय हम हाय बोलो ना ये मेरी दादी, तो दादी भी अभी आप हमारे साथ प्रसाद लेंगी, और ये मेरी छोटी बहन, हाय शर्ती, हाय हाय, ये मेरी छोटी बहन, मतलब मैं दूसरा, ये थर्ड नंबर, और उसके बाद वो वाला मामा का निनी जो वो छोटा, तो माँ मैं ना माँ को मतलब मम्मी को बाद में दिखाऊंगी, तो मम्मी अभी थोड़ा सा काम कर रही है, तो बाद में दिखाऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा बिजी है, और यहाँ पे देखो सब प्रसाद यहाँ में है। तो अभी हम लोग प्रसाद ले लेंगे, तो चलिए सब कुछ लेने के बाद मैं दिखाती हूँ प्रसाद में क्या क्या है आज। तो ये है प्रसाद जिसमें साग, और उसके बाद लौकी की सब्जी, गोभी की सब्जी, उसके बाद पनीर और कुछ फ्राई और चावल। प्रसाद हमने ले लिया है, और अभी रात चेंज करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैंने पूरा दिन साड़ी पहना था, तो साड़ी अभी चेंज करूँगी, मतलब पूरा फ्रेश हो के। मामा को देखो, मामा भी पूरा दिन यही ड्रेस पहन के बैठी थी तो मामा भी पूरा दिन यही ड्रेस पहन के बैठी थी, और मैंने सुबह से मतलब 11 बजे से साड़ी पहना था, तो अभी बज गए शाम के 6:30 या 7 होगा, तो मैंने देखा नहीं है, तो साड़ी अभी ना चेंज करने का बहुत मन कर रहा है, तो घर वर जो भी है क्लीन करके हम सब बहने मिलके क्लीन करके उसके बाद हम लोग चेंज करें, थोड़ा सा रेस्ट करना, क्योंकि पूरा दिन ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, तो इसलिए इस वीडियो को और ज़्यादा बात करने की और कंटिन्यू करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हाँ तो आज के लिए बाय।